दोस्तों, स्वागत है मेरे इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने मेरे पिछले वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लीज उनको देखिए, क्योंकि उनमें बहुत सारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट मैंने बता रखे हैं, तो उससे आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। तो उन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट को बार बार हम यूज करेंगे। जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ, डिजिटल में बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें। या दोस्तों, इसमें मैं बात करने वाला हूँ एक और बेसिक कॉन्सेप्ट की, जो है XOR using NAND। जी हाँ दोस्तों, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो NAND होगा वो मिनिमम नंबर ऑफ NAND गेट्स से होगा, नंबर ऑफ NAND गेट्स। जी हाँ दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि जब भी IIT और NITs में जब सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं या कोई गेट का एग्जाम होता है, तो इस कॉन्सेप्ट को यूजुअली यूज कर लिया जाता है। तो आप इसमें बहुत ध्यान से देखेंगे इसको, इसमें आखिर है क्या। तो देखिए दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें है कि आपको XOR की जो प्रॉपर्टी है वो तो यूज करनी ही पड़ेगी, जो कि अगर a बार b प्लस ए बी बार होता है, इसका बुलियन एक्सप्रेशन। दूसरा चीज क्या है कि उसमें जो ये प्रॉपर्टी है, बुलियन प्रॉपर्टी, a बार इक्वल टू जीरो। जी हाँ दोस्तों, ये मैं पहले वीडियो लेक्चर में बता चुका हूँ कि ये a बार जीरो होता है, क्योंकि देखिए a और a का कॉम्प्लीमेंट, अगर a इज वन लिया तो a कॉम्प्लीमेंट जीरो होगा और उनका जो बुलियन प्रोडक्ट होगा वो जीरो होगा। फिर a अगर जीरो लिया तो a बार वन होगा, तो जीरो और वन जीरो होगा। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, a इंटू a बार जीरो होता है। अब दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट एक और चीज है कि अगर हम a बार को एड कर दें तो भी हमें कोई बुलियन एक्सप्रेशन में फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम एट लास्ट जीरो को ऐड कर रहे हैं। तो अब देखिए दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि XOR को NAND से कैसे रिप्रेजेंट करें। तो a बार b प्लस, अब मैं क्या करूंगा, इसको a बार b लिख दिया, प्लस a बार करूंगा प्लस b भी बार करूंगा, क्योंकि इन दोनों का वैल्यू जीरो होगा, प्लस a b बार। जी हाँ दोस्तों, ये जो टेक्निक है a बार को ऐड करना, b भी बार को ऐड करना, ये बहुत जगह यूज होती है जब भी आप बुलियन फंक्शन को सिंप्लीफाई कर रहे होते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इसको अब आप लिखेंगे। अब देखिए, यहां से a बार कॉमन आ गया, a प्लस b हो गया, प्लस यहां से b बार कॉमन आ गया, यहां से a प्लस b हो गया। अब जी हाँ दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से आपका क्या करेंगे, a बार प्लस b बार ऐसे कॉमन ले लेंगे और a प्लस b हो जाएगा। अब जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप, मैं पहले बता चुका हूँ, डी मॉर्गन यूज कर सकते हैं यहाँ पे। जी हाँ, मैं यहाँ पे डिमॉर्गन इसलिए यूज करना चाहूंगा क्योंकि मुझे NAND में जाना है। तो यहाँ से मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि अगर a बार प्लस b बार है तो ये a b का NAND होगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि ये NOT और NOT का कॉम्बिनेशन से NAND में जाया जाता है। तो ये प्रॉपर्टी जो मैं पहले बोल चुका हूँ वो यहाँ पे यूज होने वाली है। तो a b बार इंटू ए प्लस बी। अब इसको देखिए दोस्तों, मैं क्या करूंगा, इसको एक्सपैंड कर दूंगा, ए इंटू ए बी बार प्लस बी इंटू ए बी बार। अब जी हाँ दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि मैं XOR जो है ए XOR बी, उसको मैं डबल बार लूंगा। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, डबल बार लेना, ताकि मैं डिमॉर्गन्स यूज कर सकूं। और डबल बार लेने से, हमारा एक बार बार लिया तो उस पर कॉम्प्लीमेंट हुआ, डबल बार लिया तो फिर से कॉम्प्लीमेंट होकर वही चीज आ गई, तो उसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये जनरली बहुत बार डिजिटल सर्किट्स में यूज होता है, इस पॉइंट को आप नोट कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं इसमें डबल बार ले लूंगा, ए इंटू ए बी बार प्लस बी इंटू ए बी बार, ये टोटल पे बार है और ये फिर से बार है। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप इसको, अब एक तो बार ऊपर है ही आपके पास, और इस पे जो बार है, इस पे डिमॉर्गन्स अगर आप यूज करेंगे तो a इंटू ए बी बार टू दी होल बार इंटू बी इंटू ए बी बार टू दी होल बार। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए, अब बात सारे जगह एंड की आ चुकी है। देखिए यहाँ पे भी, सॉरी नैंड की आ चुकी है। देखिए यहाँ पर भी नैंड है, ये टोटल भी नैंड है, ये नैंड है, ये टोटल भी नैंड है, और ये एज अ होल NAND है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए इसको मैंने ऐसा यूज किया कि ताकि पूरा का पूरा बुलियन एक्सप्रेशन
नैंड में कन्वर्ट हो जाए। जी हाँ दोस्तों, मैं एक बार फिर से बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे आपने पहला जो ट्रिक यूज किया वो है ए ए बार प्लस बी बी बार। ये एक्चुअली में ट्रिक नहीं है, बेसिक है जो कि बहुत बार यूज होने वाली है डिजिटल में। इसको आप बहुत अच्छे तरीके से अपने दिमाग में माइंडसेट कर लेंगे। दूसरी चीज है यहाँ पे जो मैंने डबल बार लिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, डिजिटल में बहुत जगह यूज होने वाली है, बहुत बड़े बड़े बुलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए या कन्वर्ट करने के लिए, जो एक्चुअली में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में जो गेट जीआरई वगैरह देते हैं वो इसी टाइप के क्वेश्चन देते हैं। तो जी हाँ, उसमें से एक कॉन्सेप्ट ये यूज कर लेंगे वो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये आ गया। अब देखिए, इसका मैंने पहले भी बोल चुका हूँ कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट करें। तो जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने प्लान में पहले बोला है ए करेंगे आप और ए का कॉम्प्लीमेंट भी ले लेंगे ताकि आपको सुविधा होगी, फिर बी लेंगे आप, फिर बी का कॉम्प्लीमेंट भी ले लेंगे ताकि एक्चुअली में अगर यूज हो गया तो ठीक है, अगर नहीं यूज हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए दोस्तों, ए आया बी आया, तो ए बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया नैंड ए बी, फिर ए बी बार हुआ, फिर यहाँ से दोस्तों ए बी बार हुआ, फिर ए इंटू ए बी बार हुआ, फिर यहाँ से बी आया, बी इंटू ए बी बार हुआ, यहाँ से देख सकते हैं बी इंटू ए बी बार ए, और फिर इन दोनों का नैंड। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से हमारा क्या हुआ कि ये सर्किट जो है वो ए एग्जॉर बी, हमारे टोटल चार नैंड गेट, 1 2 3 और टोटल चार नैंड गेट से बन करके आ गई। देखिए इस ए बार का यूज नहीं हुआ, बी बार का यूज नहीं हुआ, लेकिन हमें जब भी कोई भी सर्किट डिजाइन करते हैं तो उसकी मैंने पहले भी बोल चुका हूँ कि ये दोनों चीज रहेगा, तो अगर आपको इन केस जरूरत पड़े तो आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से ए एग्जॉर बी आपका आ गया, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट था, पहला कॉन्सेप्ट जो था जो आपने यूज किया वो था ए ए बार 0, दूसरा जो कॉन्सेप्ट की लिया ए डबल बार इक्वल टू ए, इन कॉन्सेप्ट को यूज करके हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तीसरा जो कॉन्सेप्ट हुआ कि हमें नैंड में जाना था, तो मैंने डिमॉर्गन्स यूज किया, ए बार प्लस बी बार इज इक्वल टू ए बी बार, और इस वाले कॉन्सेप्ट को भी यूज किया, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए बार इंटू बी बार। तो जी हाँ दोस्तों, ये तो दोनों डिमॉर्गन्स हो गए, डिमॉर्गन्स हो गए, इन दोनों को तो यूज करना ही करना है, और इस प्रॉपर्टी को भी ध्यान में रखना है। या दोस्तों, इस तरह से मैं बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो कि कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में आएंगे, जो मैं आगे बताने वाला हूँ, उन क्वेश्चंस में ये ए एक्सोर बी का इम्प्लीमेंटेशन, या आप देखेंगे कोई हाफ एडर फुल एडर, जो अभी मैं बताना नहीं चाहूंगा, अगले मेरे वीडियो लेक्चर्स में आएंगे वो, तो उसमें क्या होगा कि उसमें ये वाली इम्प्लीमेंटेशन बहुत बार आएगी ए एक्सोर बी की यूजिंग नैंड, तो उस समय आपको फायदा देगा। तो इसलिए इस चीज को पूरी तरह से नोट करेंगे, हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट को नोट करेंगे ताकि कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आगे के वीडियो लेक्चर्स में कॉम्बिनेशनल सर्किट शुरू करने वाला हूँ, लेकिन उसके लिए आपको ये सारे ही बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी तक बता रखे हैं वो यूज में आएंगे, उसको आपको देखना होगा, उसको आपको पढ़ना होगा, और आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जब तभी क्लियर होंगे जब आप मेरे पिछले वीडियो लेक्चर्स पे जाएंगे और उनको नोट करेंगे। टिल देन बाय। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब।